हेलो गाइज, वेलकम बैक। और आज मैंने देखी यूपी 65। ये एक वेब सीरीज है और ये आपको मिलेगी जियो सिनेमा पे। ये रिलीज तो देखो 10 या 11 तारीख को ही हो गई थी, बट फिर इसके एक एक दो दो करके एपिसोड निकल रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि एक साथ ही देख के रिव्यू करते हैं। सबसे पहले प्लॉट समरी। इस शो में दिखाई गई है एक बंच ऑफ स्टूडेंट्स की कॉलेज लाइफ, जिसमें दिखाया उनका मिलना बिछड़ना, थोड़ी सी नोक जोक, थोड़ा सा रोमांस और बहुत सारा ड्रामा। अब सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। नंबर वन, स्टोरी ली गई है एक नॉवल से जिसका नाम है यूपी 65। और ये स्टोरी पहले ही सीन से काफी रिलेटेबल है। मैं ऑलमोस्ट नॉस्टैल्जिया में था अपने कॉलेज वाले टाइम को लेकर, ऑलमोस्ट। बट इसमें कुछ चीजें ऐसे भी है जो कि ओवर द टॉप थी, और कुछ चीजें ऐसे भी थी जो कि रिलेटेबल नहीं भी थी। बट स्टोरी की एक अच्छी चीज मुझे ये लगी कि एवरी एपिसोड वॉज लाइक सेपरेट चैप्टर। हर एपिसोड में नया कांड और उसी कांड का सुलटारा उसी एक एपिसोड में या फिर उसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में। मतलब किसी भी चीज को ज्यादा ड्रैग नहीं किया गया। स्टोरी 60-65% एंगेजिंग भी है, क्योंकि कॉमेडी के साथ साथ हल्का फुल्का रोमांस चलता रहता है। बट आफ्टर 6th एपिसोड सब कुछ रिपीटेटिव लगता है। इसकी अपन नेगेटिव में बात करेंगे। इन सब में से मेरा फेवरेट सीन रहा एग्जाम वाला सीन, जो कि आपको मिलेगा एपिसोड नंबर 6 पे। और ये पूरा सीन इंस्टेंटली रिलेटेबल था। मतलब वो बच्चे होते हैं ना आपकी क्लास में जो बिल्कुल पढ़ के नहीं आते, और एग्जाम के टाइम पर दो दो एक्स्ट्रा शीट लेते हैं, और ये देखने के बाद आपका मन अंदर से चिल्लाता है व्हाट। स्टोरी की एक और अच्छी बात ये है कि दूसरे शोज के जैसे जबरदस्ती की वल्गैरिटी अपने अंदर कैरी नहीं करता। मतलब ये एलियट जैसा शो नहीं है कि जब चाहे जो चाहे किसी के साथ भी उठ के सेक्स किए जा रहे हैं। दिस शो इज वेरी लाइट हार्टेड, और ये सेम कंसिस्टेंसी इन लोगों ने थ्रू आउट मेंटेन की है। पॉजिटिव नंबर 2, डायलॉग्स की मैं यहां पर तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि डायलॉग्स बिल्कुल बनावटी नहीं लगते बल्कि सिचुएशनल लगते हैं, और डायलॉग्स आपको कई बार हंसाएंगे भी। हां, मैं ये एग्री करता हूं कि इसमें गालियां भर भर के हैं, बट कई बार गालियों को बड़े प्यार से शुगर कोट भी किया गया है, जहां पर इनको लगा है कि गाली बोलनी उतनी नेसेसरी नहीं है। तो ओवरऑल डायलॉग वाले डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। अब मेन बात कर लेते हैं परफॉर्मेंसेस की। तो यार देखो, एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट में मैं सबसे खुश हूं, क्योंकि इसमें सारे नए कलाकार हैं और इन सब लोगों ने बहुत ही नेचुरल परफॉर्मेंसेस दी हैं। हर एक कैरेक्टर को इस शो में शाइन करने का मौका मिला है, और उन पर्टिकुलर मोमेंट्स में इन लोगों ने बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया। इसमें सबसे बेस्ट मुझे लगे पांडे जी। स्टार्ट में थोड़े से अनोइंग जरूर हैं, लेकिन एंड में जाते जाते ये आपके फेवरेट डेफिनेटली बन जाएंगे। फिर इसमें आते हैं कबाड़ी बाबा। इनका रोल एक विजडम प्रोवाइड करने वाला, जैसा एक मॉन्क जो होता है, वैसा कुछ था। ये हर एपिसोड में 2-3 मिनट के लिए आएंगे और फिर छा जाएंगे। अब इनके अलावा जो लीड में थे शाइन पांडे, इन्होंने भी अच्छा काम किया है। इन्होंने बहुत ही सिंसियरिटी और सादगी से अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर किया। पॉजिटिव नंबर 4, डायरेक्शन। इस शो के डायरेक्टर हैं गगनजीत सिंह, जिन्होंने इस शो से पहले कैंपस डायरीज की राइटिंग की थी। तो वो शो अच्छा था, बट मुझे उससे ज्यादा बेटर ये लगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि डायरेक्टर का जो विजन था वो इसमें ज्यादा क्लियर है कि इनको दिखानी है लाइट हार्टेड कॉमेडी विद रिलेटेबल सिचुएशंस। अब सिचुएशंस भी ऐसी, जैसे कि अगर आपकी एक नई गर्लफ्रेंड बनी है, तो उस नई गर्लफ्रेंड के साथ साथ आपकी जिंदगी में एक और चीज आता है, वो है उसको डेट पे ले जाने का खर्चा। इसके अलावा कैरेक्टर्स में डीप डाइव किए बिना एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू देना एक पूरे कॉलेज ग्रुप का, तो ये चीज मुझे एक्चुअली अच्छी लगी। बट नाउ रियली आई फील कि गगनजीत सिंह को कुछ अलग ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो चुका है। अब रिपीटेटिव शब्द मैं 2 बार अपने मुंह से निकाल चुका हूं, तो अब नेगेटिव पर चलते हैं। सबसे पहला, इस शो का स्क्रीन प्ले। तो आपको इस शो में मिलेंगे 13 एपिसोड, जो कि है 25-30 मिनट्स ईच। और मैं सच बताऊं तो देखो, सिर्फ स्टार्ट के 6 एपिसोड और लास्ट के 2 या 3 एपिसोड ही एंगेजिंग थे। बीच के 5 एपिसोड वर एंगेजिंग, बट दे वर लाइक फाइन। और इनमें से एक एपिसोड ऐसा भी था जिसको कि अगर ये पूरी तरह नहीं भी दिखाते तो भी स्टोरी में कोई चेंज नहीं होता। काफी सारी चीजें माइनस कर करा के ये 7 या 8 एपिसोड्स का बनाया जा सकता था। इसके अलावा रिपीटेटिव में इस शो में कुछ भी नया नहीं है। इसमें जितनी भी सिचुएशंस आपको बताई गई है, वो सारी आपको किसी ना किसी और शो में देखने को मिल चुकी है, और ये सेम चीज इस शो को वन टाइम वॉच बनाती है। मेरी रेटिंग इस शो को लेकर रहेगी 3.5/5। अगर आप लोगों ने कॉलेज से रिलेटेड कोई सीरीज दूसरी नहीं देखी, तो मैं आपको ये वाली सीरीज रेकमेंड करूंगा, क्योंकि दूसरी कॉलेज वाली सीरीज में आपको सेक्स, न्यूडिटी वगैरह वगैरह सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसमें सेक्स और न्यूडिटी नहीं है, सिर्फ गालियां हैं। बट स्टिल गालियां हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर। और आज के वीडियो में बस इतना ही। रिव्यू हेल्पफुल लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। दिस इज अभिलाष नायर साइनिंग ऑफ। बी ऑसम, बाय बाय।